और 1.6 में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब ये लॉज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स है वो हमने अर्लियर क्लासेस में भी किया हुआ है, जैसे 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th में तो कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एप्लीकेशन देखोगे तो आप सब जगह पे आएगा, इवन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें भी आएगा आगे जाके, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चैप्टर है तो यही चैप्टर में उसका एप्लीकेबल आएगा, नो। एक बार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो वो चीज़ आप एप्लीकेशन कहीं भी कर सकते हो कैलकुलेशन पर्पस से। ओके, तो पहला लॉ है, जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि लॉज क्या है। तो इफ ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन होता है, मतलब कि बेस सेम होता है, पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऑलवेज क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे डिवीजन में है सेम केस में, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन है ए रेस टू एम होल रेस टू एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ है अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो ऐसा हो जाएगा ये। फिर अगर डिवीजन में सेम पावर है तो वो भी ये ही हो जाएगा, ऐसा सेम ही हो जाएगा। और कोई भी नंबर रेस टू ज़ीरो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज वन, ठीक है। तो इतने लॉज हैं और ये एक्सरसाइज में हम इतने लॉज यूज़ करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड 64 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2, 64 जो है वो रेस टू फोर भी आता है और 1/2 भी आता है, तो मतलब 8 स्क्वायर ले लो, ठीक है। यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे तो ये 2 2 कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 8। सेकेंड है 32, 32 रेस टू 1/5। 32 में क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो 2 को अगर 5 टाइम्स, अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ रहा है, डेट मीन्स 2 रेस टू 5 होल रेस टू 1/5। अगेन यहाँ पे ये लॉ आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो विच इज़ इक्वल टू 2। फिर थर्ड है 125 होल रेस टू 1/3, तो ये तो वैसे भी क्यूब रूट ही हुआ, ठीक है। 5 125 मतलब क्या, 5 को हम 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, सो विच इज़ इक्वल टू 5 क्यूब होल रेस टू 1/3, विच इज़ इक्वल टू 5 रेस टू 3 इंटू 1/3, विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद 4 तो है नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 1 है 9 रेस टू 3/2। देखो 9 मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो स्क्वेयर होल रेस टू 3/2, ये अगेन क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा क्या, 3 क्यूब, विच इज़ इक्वल टू वॉट, 27। ओके, सेकेंड थर्टी टू रेस टू 2/5, 32 हमको पता है, 2 को हम अगर 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 32 आएगा, सो 2 रेस टू 5 होल रेस टू 2/5, विच इज़ इक्वल टू 2 रेस टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ये कैंसिल, बचा क्या, 2, सो 2 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4। एक चीज़ याद रखो स्टूडेंट्स कि बेस कभी पावर नहीं होगा और पावर कभी बेस नहीं होगा, बेस और पावर का आपस में ना कोई रिश्ता ही नहीं है, वो दोनों एनिमीज़ है, ठीक है। तो मतलब आप मिक्सअप नहीं कर सकते हो, राइट, आप मिक्सअप नहीं कर सकते हो। देखो 16 को मैं 4 इंटू 4 भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो 4 है ना,
ये निकालना है, ठीक है? तो मैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकती हूँ, तो विच इज़ इक्वल टू 2 raised to 4 होल रेज टू 3/4, विच इज़ इक्वल टू 2 raised to 4 × 3/4। तो ये ठीक है, ऑलवेज ये ही ट्राई करना है। तो 8 आया आंसर। वन ट्वेंटी फाइव को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, सो इट्स नथिंग बट सबसे पहले तो 125 का पावर क्या है, नेगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, उसके बाद 1/5 raised to 3 × 1/3 कैंसल 1/5, ठीक है? मतलब आराम से करना है। इसके ना कोई रूल्स होते हैं, अगर पावर नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव करो, ठीक है, उस हिसाब से। नाउ क्वेश्चन 3 क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब वैल्यू फाइंड करो। 2 raised to 2/3 डॉट 2 raised to 1/5, ठीक है? इसमें क्या करेंगे हम, देखिए मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन करते हैं ना, वैसे ही करना है। 2 रहेगा वैसे ही वैसे, सो इट्स 10/15 प्लस 3/15, सो इट्स 13/15। ये आपका आंसर। ऐसे आंसर से घबराना नहीं है, अब क्वेश्चन ही ऐसा है तो आंसर भी ऐसा ही आएगा, ठीक है? कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आंसर लिख के ले ले, मैंने कहीं भी गलत किया है, ऐसा आंसर नहीं हो सकता है भैया। आप कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो किया है वो सही ही किया है, ठीक है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ये देखिए, ये 1 के साथ भी 7 जाएगा और ये 3 के साथ भी यहाँ भी 7 जाएगा, तो ये तो 1 ही बचा और ये बचा 3 raised to 21। ओके, उसके बाद थर्ड है 11 raised to 1/2 / 11 raised to 1/4। ये डिवीजन में है, ठीक है? तो इसको और अच्छी तरह से अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ये केस में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, तो ये 2/4 -1/4, सो 11 raised to 1/4, सो आंसर आपका यही है। देखो सारे अटपटे आंसर्स ये इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इतने सम्स है ना काफ़ी नहीं है, ओके, प्रैक्टिस के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये चैप्टर में यही चीज़ें हैं जो पूछने लायक हैं, तो आपको यही तो पूछना है। 7 raised to 1/2 multiplied by 8 raised to 1/2, 7 × 8 whole raised to 1/2 आएगा। इसमें और ये सब में कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, सिर्फ लॉज अप्लाई किया है। और प्रैक्टिस के लिए आप आर एस अग्रवाल भी कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलीनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मीन वाइल अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं वो चैप्टर करके दूंगी आपको। अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलीनोमियल से, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कैरी फॉरवर्ड होता है 10th के लिए, ठीक है? सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।